और अब बात मिशन चंद्रयान की। रूस का मिशन लूना 25 फेल हो गया और अब मिशन चंद्रयान 3 को लेकर भारत इतिहास रचने से बस चंद घंटे की दूरी पर है, जब चांद के साउथ पोल की सतह पर चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम लैंड करेगा। लैंडिंग में भारत सफल रहा तो दुनिया का पहला देश होगा जो चांद के साउथ पोल पर पहुंचेगा। लेकिन चांद के इस हिस्से पर लैंडिंग सबसे मुश्किल टास्क है। यहां चांद की सतह काफी पथरीली है तो अंधेरा भी मुश्किलों में इजाफा करता है। बावजूद इसके इसरो के वैज्ञानिकों को यह पूरा भरोसा है कि भारत इतिहास रचने के करीब है। आखिर कैसे होगी चांद पर लैंडर विक्रम की लैंडिंग और कैसे चांद पर रोवर प्रज्ञान खोज करेगा, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अगस्त 2023 शाम 6:04, यही तारीख होगी, यही वक्त होगा जब चांद पर हिंदुस्तान इतिहास रचेगा। जो काम दुनिया के ताकतवर देश आज तक नहीं कर पाए उसे हिंदुस्तान पूरा करने जा रहा है। जी हाँ, इसरो चंद्रयान 3 की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग को तैयार है। अब चांद की सतह से चंद्रयान 3 बस 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इसरो का अनाउंसमेंट आया है कि अब तक जो है सो फार सो गुड वाली खबर है, यानी कि चंद्रयान 3 अपनी कक्षा में सही ढंग से एज प्रोग्राम्ड एज प्लान्ड जो है वो चल रहा है। ये बेहद जो है राहत की बात है कि एक किस्म से टेक्स्ट बुक लॉन्च हुआ और उसी हिसाब से जो है अब तक की जो है हम चलते चलते चंद्रमा की दहलीज तक जा पहुँचे हैं। और उम्मीद करते हैं कि 23 तारीख को जब लैंडिंग शाम के समय कराई जाएगी वो भी एकदम सही ढंग से चलेगी, क्योंकि उसके लिए जो है लैंडर रोवर पूरी तरह से जो है प्रोग्राम्ड हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी के मुताबिक बीते 7 दशक में अलग अलग देशों ने कुल 111 चंद्र मिशन लॉन्च किए, जिनमें से 62 मिशन ही कामयाब रहे जबकि 41 मिशन फेल हो गए। 8 चंद्र मिशन ऐसे रहे जिन्हें आंशिक कामयाबी मिली, लेकिन अब भारत कामयाबी के बेहद करीब है। चांद के जिस हिस्से पर भारत कदम रखने वाला है वहां अब तक कोई देश नहीं पहुंच पाया। 47 साल बाद पहली कोशिश रूस ने की थी लेकिन कामयाब नहीं हो सका और रूस के मिशन लूना 25 का लैंडर चांद की सतह पर लैंड करने से पहले ही क्रैश कर गया। देखिए, ये एक काफ़ी दुखद समाचार है, वो इस सेंस में कि दोनों स्वतंत्र मून मिशंस थे, साइंस मिशंस थे और दोनों ने लगभग एक ही प्रकार की फाइंडिंग्स को हासिल करना था। उनके अपने अपने हिसाब से यंत्र हैं लेकिन चंद्रमा की सतह के बारे में, उसके भीतरी हिस्सों के बारे में, उसके वातावरण के बारे में, ताकि हम आपस में अपनी अपनी फाइंडिंग्स का मिलान कर सकते थे, लेकिन वो मिलान तब हो नहीं सकता है। ये दुखद समाचार है। और करीब 4 दशक बाद रूस ने अपना मिशन मून लूना 25 लॉन्च किया था लेकिन इसमें रूस कामयाब नहीं रहा। लूना 25 को शनिवार दोपहर 4:30 बजे कमांड दी गई थी। इस दौरान इमरजेंसी कंडीशन बन गई थी। स्पेसक्राफ्ट एक्चुअल पैरामीटर के मुताबिक थ्रस्टर फायर नहीं कर पाया। शुरुआती एनालिसिस के नतीजों से पता चलता है कि कैलकुलेशन से जो पैरामीटर सेट किए गए थे उन पैरामीटर से स्पेसक्राफ्ट डिविएट हो गया। कैलकुलेटेड वैल्यू जितनी चाहिए थी ये उससे ज्यादा थी। इससे थ्रस्टर ज्यादा देर फायर हुए और स्पेसक्राफ्ट ऑफ डिजाइन ऑर्बिट में चला गया। ऑफ डिजाइन कक्षा में जाने की वजह से लूना 25 चांद पर क्रैश हो गया। रूस मिशन लूना 25 के जरिए चांद के उस हिस्से साउथ पोल पर पहुंचना चाहता था जहां आज तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका। हालांकि इसमें वो कामयाब नहीं हो सका। अगर कामयाब होता तो रूस कई जानकारी हासिल करने वाला था, मसलन चांद की मिट्टी के नमूने लेकर बर्फ की मौजूदगी का पता लगाना, अपनी लेटेस्ट सॉफ्ट लैंडिंग और दूसरी स्पेस टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग, साउथ पोल पर मिट्टी की फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन करना, सोलर विंड के असर को देखने के लिए प्लाज्मा धूल का अध्ययन करना, डीप स्पेस और दूर के ग्रहों की खोज के लिए एक लॉन्च यानिकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि चंद्रयान 3 का दूसरा और फाइनल डिबूस्टिंग ऑपरेशन रविवार रात 1:50 पर पूरा हुआ था। डिबूस्टिंग से मतलब स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को कम करना है।
इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से दूरी 25 किलोमीटर रह गई। जो डीप बूस्टिंग मैनूवर्स है, रेट्रोफायरिंग से भी कहते हैं, वो है कि ये पूरे स्पेसक्राफ्ट को धीमा किया जा रहा है, बहुत तेज चल रहा है वो। धीरे धीरे दो कार्य हो रहा है, एक तो उसे एक सर्कुलर ऑर्बिट में लाने की कोशिश, और अभी वो सर्कुलर ऑर्बिट में था, अभी वो और इलिप्टिकल ऑर्बिट में आ गया है, जिसमें उसका पेरिजी जो है, यानी कि चंद्रमा से सबसे पास वाला वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में, वो 25 किलोमीटर ही दूर है। और इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे उसे चंद्रमा के और पास लाया जा रहा है कि वो 23 अगस्त को ठीक तरह लैंड कर सके। चांद के साउथ पोल पर पहुंचने की रेस में भारत से आगे रूस था, जो फेल हो चुका है। अब भारत के पास इतिहास रचने का सबसे शानदार मौका है, और इसरो के वैज्ञानिक इस मौके को किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहते। चांद के जिस सतह पर भारत का चंद्रयान 3 लैंड करने वाला है, उस जगह का नाम है साउथ पोल। चांद पर ये वो जगह है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं की गई है, दुनिया का कोई देश यहां तक नहीं पहुंच पाया है, इसलिए चांद का साउथ पोल का हिस्सा वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से रहस्य रह गया। दक्षिण ध्रुव के ऊपर सूर्य की किरणें बहुत तीखी पड़ती हैं, और उसमें बड़े बड़े क्रेटर हैं। एक क्रेटर तो इतना बड़ा है कि हमारे माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है, उसकी गहराई 9 किलोमीटर के ऊपर है, और ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे क्रेटर हैं, काफ़ी गहरे हैं, और उनमें यह माना जाता है कि पानी जो है बर्फ के रूप में अभी वहाँ मौजूद है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर सब जीरो से भी काफ़ी कम होता है। यही एक कारण है, हजारों साल पुराना पानी के वहाँ क्रिस्टल्स मौजूद होंगे और उनका हम परीक्षण करेंगे। चंद्रयान 3 ने लैंडिंग से पहले लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा यानी LHDAC का इस्तेमाल करके इन तस्वीरों को खींचा है। ये तस्वीरें चांद के सतह के उस हिस्से की हैं जहां पर चंद्रयान 3 की बुधवार शाम 6:04 पर लैंडिंग होने वाली है। लेकिन साउथ पोल पर लैंडिंग सबसे मुश्किल टास्क है, पूरे मिशन चंद्रयान 3 का यह सबसे अहम पड़ाव है। दरअसल चांद के साउथ पोल पर ऊबड़ खाबड़ और जोखिम भरे इलाके हैं, यहां ज्यादा अंधेरा होने की वजह से किसी भी मिशन को लैंडिंग करने में दिक्कत होती है। इसके अलावा जब लूनर नाइट होती है तो यहां का तापमान -230 डिग्री तक गिर जाता है, यहां सही वक्त पर थ्रस्टर का चलना जरूरी है। लैंडिंग के लिए चांद पर समतल इलाके का होना बेहद जरूरी है, साथ ही पिन पॉइंट नेविगेशन गाइडेंस और सटीक फ्लाइट डायनेमिक्स भी जरूरी है। लैंडिंग के दौरान कहीं भी कोई अड़चन आती है तो लैंडिंग में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। बस यही वजह है कि लैंडिंग से ठीक 2 दिन पहले इसरो ने इस तस्वीर को जारी किया और इसके साथ एक्स पर लिखा है, ये चांद के सुदूर क्षेत्र की तस्वीरें हैं जिसे लैंडर के खतरा जांच और बचाव कैमरे LHDAC से खींचा गया। ये कैमरा लैंडर के नीचे उतरने के दौरान सुरक्षित लैंडिंग क्षेत्र का पता लगाने में मदद करता है। इसे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो में विकसित किया गया। LHDAC कैमरे की मदद से इसरो के वैज्ञानिक चांद के साउथ पोल पर सुरक्षित जगह की तलाश करेंगे, क्योंकि लैंडिंग 25 किलोमीटर दूर से होगी, इसलिए सुरक्षित लैंडिंग सबसे बड़ा चैलेंज है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद के सतह तक पहुंचने में चंद्रयान को 15 से 20 मिनट लगेंगे, और यही वक्त सबसे क्रिटिकल होने वाला है। लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे कि उस दिन चंद्र पे उतरण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर मेरे ख्याल से कोई और मुश्किल तो आने वाली है नहीं, और हम पूर्णतया 30 अगस्त को ही चंद्र पे उतरने का प्रयास करेंगे। बट अगर कोई हमको ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को करेंगे, तो उसके लिए भी हमने पूरा सावधानी बरती है। चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर से रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो से कमांड मिलते ही चांद के सतह पर चलेगा। मूवमेंट के रोवर के पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे।
इसी के साथ प्रज्ञान रोवर चांद के साउथ पोल के मिनरल्स की ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाएगा और पृथ्वी पर भेजेगा। भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि इसके सॉफ्ट लैंडिंग के अलावा मिनरल की जांच है। मिनरल्स में जैसा कि चीन ने अपने रोवर को भेज के जांच की थी और चेंगेसाइट नाम का एक पदार्थ निकाला था जो 10 माइक्रोन डायमीटर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन उसके अंदर विपुल मात्रा में हीलियम 3 नाम का आइसोटोप है और हीलियम 3 आइसोटोप भविष्य की परमाणु भट्टियों का ईंधन है जिससे बिजली पैदा कर सके। ऐसा अनुमान है कि अगर 10 किलोग्राम भी आपके पास हीलियम 3 आ जाएगा तो ये अगले 20 साल के लिए आपके संपूर्ण भारत की जो विद्युत का उत्पादन है परिवर्तन हो जाएगा। चंद्रयान 3 की चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग और उसके बाद प्रज्ञान रोवर की जानकारी हासिल करने के बाद चांद के निर्माण सौर मंडल से जुड़ी कई अहम जानकारी सामने आ सकती है। जाहिर है साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से भारत न सिर्फ इतिहास रचेगा बल्कि इससे भारत और दुनिया के सामने चांद को लेकर कई नई जानकारी भी सामने आएगी। तेईस अगस्त को जब हिंदुस्तान चांद पर इतिहास रचेगा तब गर्व और गौरव के इन पलों को इसरो से लाइव देखा जा सकेगा। इसके लिए इसरो की तरफ से इंतजाम कर लिए गए, इसलिए आप भी तैयार हो जाइए चांद पर हिंदुस्तान को फतेह होते देखने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।